हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज हम लोग सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड। कौन सा सब्जेक्ट रहेगा हमारा? अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड। ठीक है, इसका जो है सिलेबस क्या है, इसमें पढ़ना क्या क्या है, इंजीनियरिंग में क्या इसका इम्पोर्टेंस है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है, जो कि इसका सिलेबस डिस्कशन या इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था, वो जाके पहले इसको देख लीजिए। हम जो यहाँ शुरू कर रहे हैं वो पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं इसका, वो पहला चैप्टर का नाम क्या है? मैट्रिक्स। ठीक है, या मैट्रिसेस, इसी को अव्यूह बोलते हैं। ठीक है, अव्यूह। अब मैट्रिक्स क्या है? सिंगुलर है एक के लिए, और ये प्लूरल है यानी बहुवचन है, मैट्रिक्स मैट्रिसेस। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग मैट्रिक्स का डिफिनेशन। मैट्रिक्स क्या होता है? तो मैट्रिक्स जो आपके डिप्लोमा के बुक में डिफिनेशन ऐसे लिखा है, यानी आप व्यू का पहले हिंदी में लिख दे रहे हैं, फिर इंग्लिश में भी बता रहे हैं। ठीक है, आप व्यू का जो डिफिनेशन लिखा है वो लिखा है कि एम गुणे एन संख्याओं के सिस्टम, यानी निकाय के निकाय, निकाय को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिस्टम को, कि निकाय यानी सिस्टम को एम पंक्तियों यानी रोज तथा एन स्तंभों, एम पंक्तियों तथा एन स्तंभों में, ठीक है, एम पंक्तियों तथा एन स्तंभों में व्यवस्थित करने पर, एन स्तंभों में व्यवस्थित करने पर प्राप्त लंब सारणी, इस लंब साड़ी को बोलते हैं एरे, इंग्लिश में बोलते हैं एरे, लंब साड़ी को एम क्रॉस एन का अव्यूह कहते हैं। एम क्रॉस एन ऑर्डर का, ऑर्डर यानी क्रम या कोटि का, इसको बोलते हैं क्रम या कोटि, इसको इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं, अव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस डिफिनेशन में क्या गड़बड़ी क्या है। ठीक है, डिफिनेशन तो सही लिखा है आपके बुक का, है डिप्लोमा के बुक का। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ी है। कह रहा है कि एम क्रॉस एन संख्याओं के निकाय को यानी सिस्टम को एम पंक्तियों यानी एम रो में और एन स्तंभों में व्यवस्थित करने पर, यानी एम रो में और एन स्तंभों में व्यवस्थित करने पर प्राप्त लंब सारणी को, एरे को एम क्रॉस एन क्रम का कोटि, एम क्रॉस एन क्रम या कोटि, एम क्रॉस एन क्या कहलाएगा? उसका क्रम या कोटि कहलाएगा, ऑर्डर इसको इंग्लिश में कहते हैं, का अव्यूह कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कभी आप मैट्रिक्स पहले भी देखे होंगे तो जरूरी है कि वहां पे बस संख्या ही होता है? नहीं, फंक्शन भी तो होता है। जैसे कॉस एक्स आ गया, कॉस एक्स क्या है? एक फंक्शन है। यहाँ पे कहीं माइनस साइन एक्स रहेगा, हैं, टू रहेगा। तो ये जरूरी है कि केवल संख्या ही रहेंगे? नहीं, वहां पे क्या हो सकते हैं? संख्या के जगह पर क्या हो सकते हैं? फंक्शन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एम क्रॉस एन संख्याओं अथवा फंक्शंस यानी फलनों। ठीक है ना, यानी फंक्शंस भी हो सकते हैं, फंक्शंस के सिस्टम, इसको स्तंभ यानी कि एम क्रॉस एन संख्याओं या फलनों के निकाय के, फलनों के निकाय को एम पंक्तियों तथा एन स्तंभों में व्यवस्थित करने पर प्राप्त लंब सारणी को एम क्रॉस एन क्रम या कोटि का अव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो इसका जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे
यहाँ पे जैसे हमने लिखा 2, 3, 1 माइनस 5, 0 माइनस 4, 7, 9, 6, तो ये क्या हो गया, एक आव्यूह कहलाएगा। देखिए ये है ना एक रेक्टेंगल, एक क्या है एरे है, लंब सारणी है, ठीक है। इसमें क्या है, तीन पंक्तियां और तीन स्तंभ है, यानी तीन रो और तीन कॉलम है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे 3x3 का, यानी तीन पंक्तियां और तीन कॉलम है, तो 3x3 का क्या बोलेंगे, ये एक आव्यूह है, ठीक है ना। या 3x3 का क्या है, एक आव्यूह है। और इसमें देखिए 9 एलिमेंट है कि नहीं, क्योंकि m गुणे n यानी 9 एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है ना। तो यही क्या कहलाएगा, आव्यूह कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका डेफिनेशन और अच्छे से देते हैं इंग्लिश में भी, उसके बाद फिर हम और अच्छे से बता रहे हैं सारी चीजों को। अब देखिए, तो अगर सही डेफिनेशन, अच्छे से डेफिनेशन लिखे तो लिखेंगे ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एरे ऑफ नंबर्स आर फंक्शंस, ठीक है। यानी मैट्रिक्स जो है वो क्या है, एक रेक्टेंगुलर एरे है, ऑर्डर्ड बोलेंगे, ऑर्डर्ड तो एन ऑर्डर्ड हो जाएगा, ए नहीं रहेगा तब, यानी क्रम व्यवस्थित होंगे, अच्छे से व्यवस्थित होंगे, एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स आर फंक्शंस। नंबर्स आर फंक्शंस ऑफ द मैट्रिक्स आर कॉल्ड एज एलिमेंट आर एंट्रीज ऑफ एलिमेंट्स आर एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। वो जो नंबर्स होंगे या फंक्शंस, वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट या एंट्री कहलाते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने लिखा था 2, 3, 4, 1, -1, 0, 5, 7, 8, तो ये क्या है, एक ये सभी जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, ये क्या कहलाएंगे, एंट्री या एलिमेंट्स कहलाएंगे, अवयव कहलाएंगे, हिंदी में क्या बोलते हैं, अवयव, ठीक है। लाइक फंक्शंस भी हो सकते हैं, 1 प्लस cos x, x स्क्वायर, 2 प्लस sin x हो सकता है, x क्यूब, तो ये भी क्या हो गया, एक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है, और ये सभी क्या है, ये फंक्शन इसका एंट्री है, एक एंट्री, 2, 3, 4, 5 ऐसे एंट्रीज या फिर कहेंगे एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, ठीक है। अब इसको जो है रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अच्छा ऑर्डर अभी बताएं, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ये जो हॉरिजॉन्टली अरेंज जो होते हैं, हॉरिजॉन्टल जितने ये हॉरिजॉन्टली जो होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होते हैं, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रो बोलते हैं, हम लोग पढ़ ही लिए। और ये क्या कहलाते हैं, जो वर्टिकल अरेंजमेंट है नंबर्स का, वो क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है। तो इसमें कितने रो हैं, तो 3 रो हैं, तो उसको ऑर्डर बोलते हैं, तो 3 × 3 × और 3 कॉलम है, तो 3x3 का ये मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अभी बताए हैं ऑर्डर, या फिर हिंदी में जिसको बोलते हैं कोटि या फिर क्रम, तो ये कोट या क्रम 3x3 का, इसका कितना है, 2x3 का, क्योंकि इसमें 2 पंक्तियां हैं और कितने कॉलम है,
तीन कॉलम है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर और जितनी भी जरूरी चीजें थी ये यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन हमने देख लिया मैट्रिक्स का, अब मैट्रिक्स क्या होता है। अच्छा एक चीज है जो बहुत डाउट कर रहा होगा कि आखिर इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि शुरू में हमने भी पढ़ा तो कोई समझ में नहीं आया कि मैट्रिक्स चलिए लिख दिया लेकिन है क्या, आखिर में कर क्या रहे। तो देखिए ये एक तरह से बहुत सारी चीजों में यूज होता है जो हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो पहले ही लेक्चर में हम बताए इंट्रोडक्शन वाले में, लेकिन अगर आप जैसे समझना चाहें तो यहाँ पे जैसे एक स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं रो और कॉलम्स को। जैसे मान लीजिए लिख रहे हैं यहीं पे 30 लिख रहे हैं, 20 लिख रहे हैं, 25 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम कोई जैसे स्टूडेंट का नाम ले सकते हैं और यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दें इंग्लिश है, ठीक है, मैथ्स है, साइंस है, ये सभी कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉलम्स जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सब्जेक्ट्स को, और ये गेन मार्क्स हैं और यहाँ पे स्टूडेंट्स को, जैसे राम को, श्याम को, ठीक है, रहीम को, तो इसमें जो है ये सभी स्टूडेंट्स हैं। इस ये जो मार्क गेन कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे जो है हम समझ के ऐसे समझ सकते हैं इसका कोई मतलब अब तो बना ना। यानी अगर हम बात करें इस अवयव का तो ये अवयव बता रहा है, इस पंक्ति मतलब पहले पंक्ति और पहले कॉलम का जो अवयव है वो बता रहा है कि राम ने इंग्लिश में 30 नंबर प्राप्त किए। तो ऐसे ही स्पेसिफिकेशन होता है अवयवों का। अभी हमको क्योंकि यहाँ पे कोई उतना पढ़ना नहीं है, ठीक है ना, तो अभी हमको इसके ऑपरेशन सीखने हैं, अभी इसका एप्लीकेशन हमको नहीं करना है। जब हम और यहाँ पर और भी एप्लीकेशन इसका होता है कि हम इससे क्या कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, रैखिक इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड में जो रैखिक इक्वेशन होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। अभी हम इसके ऑपरेशन इसके टाइप्स को देखते हैं, ठीक है। तो कुछ तो यहाँ से आपको आइडिया लगा होगा। तो इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ है मैट्रिक्स, यानी कि एक अवयव का निरूपण, ठीक है ना, निरूपण कैसे कहते हैं, तो अवयव का निरूपण, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो किसी भी अवयव को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा यानी कैपिटल लेटर्स के द्वारा, जैसे ए बी सी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इनके एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनके एलिमेंट्स को ए आई जे से डिनोट करते हैं, जहां पे आई क्या बताता है, आई जो है वो कॉलम को बता सॉरी रो को बताता है, रो, और जे जो है वो किसको बताता है, कॉलम को बताता है, ठीक है ना। तो जैसे कि रिप्रेजेंट करना है, जैसे मान लीजिए एक अवयव ए है, तो एक अवयव को देखिए, और एक अवयव को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मतलब किसी ब्रैकेट लगाकर, ठीक है ना, मतलब अवयव बनाना हो तो क्या है, तो ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं या फिर ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं या फिर ऐसे करते हैं, तो ऐसे जो है अवयव बनाते हैं, मतलब अवयव इसका मतलब क्या हो गया, इसमें अब एंट्री आप डाल दीजिए यानी एलिमेंट्स डाल दीजिए तो एक अवयव हो गया, ये भी अवयव, ये भी अवयव, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जनरल नोटेशन जो होता है अवयव का वो क्या होता है कि मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, वो कोई अवयव है, ठीक है ना, और इसका जो है एलिमेंट ए आई जे है, ठीक है ना, और ये फिर बताया जाएगा किस क्रास का है, तो मान लीजिए एम क्रास एन का है, तो इस तरह से डिनोट किया जाता है। अब ए आई जे का कोई रूल होगा, ए आई जे मान लीजिए है 3i-2j करके, ठीक है ना, तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई जे क्या है, जैसे कि अब देखिए एक जो है एक जनरल जैसे लेते हैं, अब इसी को अगर हम सारणिक फॉर्म में जैसे यहाँ पे जैसे सारणी बना के यहाँ पे किया गया था वैसे नोट करें इसी को,
तो कैसे हम डिनोट करेंगे, देखिए यही है बिल्कुल, इसको यहां पे लिख रहे हैं। तो यहां पे ए वन वन, ठीक है, यानी कि पहला वाला जो होगा पहला पंक्ति वाला है और पहले कॉलम वाला है। ए वन टू, ए वन थ्री, ऐसे बहुत सारे होंगे, ठीक है, वन टू वन थ्री, ऐसे बहुत सारे होंगे। लास्ट में क्या आएगा, क्योंकि कितने पंक्तियां हैं इसमें, m पंक्तियां हैं, तो ए एम आएगा वन, और वन क्यों, क्योंकि पहला कॉलम है, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे बढ़ाते हैं इसको, तो ए टू टू, ए ए टू टू, सॉरी ए वन टू और ए टू टू, ठीक है ना, क्योंकि पहला ये पंक्ति है दूसरा कॉलम है, दूसरा पंक्ति है दूसरा कॉलम है, यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम। अब साथ ही अब इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इसमें भी बहुत सारे होंगे एलिमेंट्स, होंगे कि नहीं, इंस करने का मतलब यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट होने के बाद लास्ट में क्या आएगा हमारा, कौन सा वाला आएगा कि ए वन एन, क्योंकि कॉलम कितने हैं, एन कॉलम है, ठीक है ना, और ए टू एन होगा यहाँ पे, ए इसी तरह से ये जो है जैसे हमने दिया है लाइक यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, समझिएगा, और ये हमारा हो गया, इसको भी वैसे ही छोड़ दीजिए तब, जब हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं कौन सा रो है, तो क्योंकि बहुत सारे रो इसमें हो सकते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, ये कौन सा होगा, ए कौन सा वाला कॉलम है, पहले तो एम पंक्ति है और कौन सा वाला कॉलम है, दूसरा वाला, ठीक है ना, ये भी ऐसे छोड़ दीजिए। और लास्ट वाला देखिए, ये कौन सा वाला है, ए एम वाला पंक्ति है और कॉलम कौन सा है, एन वाला। तो इस तरह से ये जनरल नोटेशन हो गया, ठीक है ना। जनरल नोटेशन का मतलब कि यहाँ भी कोई एलिमेंट रहे होंगे, ये सब एलिमेंट्स ही हैं, ठीक है ना, लेकिन हम अभी डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि ये दूसरा एक, मतलब सॉरी तीसरा पंक्ति है, चौथा पंक्ति है, इसे बहुत सारे पंक्तियाँ हो सकती हैं, लास्ट में एमवा पंक्ति है, एमवा रो है, एम्थ रो है, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे कॉलम, बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं, लास्ट वाला जो कॉलम है एंथ कॉलम है, ठीक है ना। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे कहा जाए तो, अगर कहा जाए कि बताइए कि अगर हम कोई एलिमेंट है जो कि थर्ड रो और फोर्थ कॉलम का है, तो उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ए थ्री फोर से, तो थर्ड रो का और फोर्थ कॉलम का, तो ऐसे समझना है, ठीक है ना। तो ऐसे एलिमेंट्स को ऐसे ए आई जे, जो जनरल उसका होता है ए आई जे होता है, और उसको ऐसे नोट करें एक एक करके, तो ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री आएगा, ए वन फोर आएगा, ऐसे ही ए, सॉरी यहाँ पे गलती हो रहा है, ए टू टू होगा, सॉरी उल्टा हो गया, ए टू वन होगा, ठीक है, क्योंकि ये दूसरा रो है और पहला कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे गलती हो गया, इसको सही कर लीजिए। तो इस तरह से ए आई जे एम क्रॉस एन जो है ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो है रिप्रेजेंटेशन है किसी मैट्रिक्स का, तो किसी भी, चाहे आप कैपिटल लेटर से ए बी सी से डिनोट करेंगे, और एलिमेंट्स को ऐसे ब्रैकेट में डिनोट करेंगे ए आई जे के फॉर्म में, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है। और कोई अभी लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, जो एलिमेंट होते हैं थ्री फोर फाइव जैसे ऐसे अभी जो बताए हैं, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे। और ए आई जे का कोई रूल भी हो सकता है, ठीक है, आगे बताया जाएगा इसको, और मतलब और विस्तार से जब किया जाएगा सॉल्व, तो ऐसे फार्मूले ऐसे दे दिया जाएगा, ए आई जे का कोई फार्मूला है, इस अभ्यूह को कंस्ट्रक्ट करिए, बनाइए, और उसका ऑर्डर दे दिया जाएगा, जैसे इसका क्या था, एम क्रॉस एन का ऑर्डर था, तो उसको दे दिया जाएगा, कोई नंबर टू क्रॉस थ्री ऑर्डर का है तो उसको बनाइए। तो हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन, अभ्यूह का डिफिनीशन यानी मैट्रिक्स का डिफिनीशन भी हो गया, और मैट्रिक्स का ऑर्डर भी, सॉरी रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स के प्रकार
अव्यूहों के प्रकार प्रकार, तो पहला जो होगा वो हमारा है वो है रो मैट्रिक्स, यानी कि पंक्ति अव्यूह। ठीक है, तो डेफिनेशन हम लिखेंगे नहीं, बोलते हुए चलेंगे। तो पंक्ति अव्यूह क्या होता है? ऐसा अव्यूह जिसमें केवल और केवल एक रो हो, एक पंक्ति हो, लाइक ए इज इक्वल टू ए, 1 2 3। ठीक है ना, ये क्या है? एक पंक्ति अव्यूह है। ठीक, अगर इसको जनरल नोटेशन करना, जनरली नोटेट करना, तो ए आई जे इज इक्वल टू, और यहाँ पे एम क्रॉस एन, ठीक है ना, वेयर, या फिर आप कह सकते हैं 1 क्रॉस n का है, यानी पंक्ति जो है एक ही है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं m क्रॉस n, वेयर i इज इक्वल टू i, या i इज नॉट इक्वल टू, या i इज लेस आर इक्वल टू 1। लेस तो होगा नहीं, i इज इक्वल टू 1 ही होगा, मतलब केवल i 1 हो सकता है, यानी पंक्ति केवल 1 हो सकता है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं जहाँ पे m इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो ऐसे जनरली नोटेशन, जनरल नोटेशन भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली यहाँ भी लिख सकते हैं 1 क्रॉस n का है। ठीक है ना, तो इसमें कॉलम कई हो सकते हैं लेकिन पंक्ति केवल एक ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, चलिए इसी में भी लिखते हैं। दूसरा जो है, दूसरा जो होगा हमारा वो होगा कॉलम मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं स्तंभ अव्यूह, स्तंभ अव्यूह। तो कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ अव्यूह में जिसमें केवल और केवल एक कॉलम हो, ठीक है ना, केवल और ये केवल एक कॉलम हो, यानी कि कॉलम जो है एक ही हो, जैसे ए इज इक्वल टू कोई चीज लिखा 2 3 4, रो कई होंगे लेकिन कॉलम एक ही होगा। ठीक है ना, यानी इसको जनरल नोटेशन दिया जाए तो आई जे इज इक्वल टू एम क्रॉस 1 का होगा। ठीक है ना, यानी जे भी जो है एक से ज्यादा नहीं हो सकता यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं J इज इक्वल टू 1, यहाँ पे J 1 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रो कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब तीसरा जो है हम पढ़ते हैं, तीसरा जो होगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, या फिर इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग अव्यूह, वर्ग अव्यूह। तो वर्ग अव्यूह क्या होता है? तो जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी पंक्तियां और स्तंभ जिसमें बराबर होते हैं, ऐसा अव्यूह जिसमें पंक्तियां, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, यानी रोज की संख्या और कॉलम्स की संख्या बराबर हो, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो स्क्वायर मैट्रिक्स को यहाँ पे बनाते हैं, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे a इज इक्वल टू, हमने लिया एग्जांपल 3 4 5 1 0 2 3 -2 1, ये क्या है? देखिए, तीन रो और तीन कॉलम, यानी 3 क्रॉस 3 का, तो ये क्या हो गया? एक वर्ग अव्यूह होगा। ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं ai j, वेयर m क्रॉस n का है, या m इज इक्वल टू n होगा। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद, बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स का, या फिर अभी बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैट्रिक्स की, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मैट्रिक्स।
यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना, अभ्यूह, ऊर्ध्वाधर अभ्यूह या फिर क्षैतिज अभ्यूह, यानी कि हॉरिजॉन्टल ऐसा होगा जो दिखने में हॉरिजॉन्टल लगे, यानी जिसमें नंबर ऑफ रोज यानी पंक्तियों की संख्या कम हो कॉलम्स की संख्या से, ठीक है। तो स्तंभों की संख्या से अगर पंक्तियों की संख्या कम होती है किसी अभ्यूह में तो उसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे, यानी 2, 3, 4 जैसे यहाँ पे है, और 1, 2, 1-2, 1 ऐसे। तो ये कैसा अभ्यूह है, एक क्षैतिज अभ्यूह है, यानी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें कॉलम्स कम हो और रो ज्यादा हो, जैसे मान लीजिए कोई बी ये है 2, 3, 1-1, 0, 2, इसमें क्या है कॉलम्स की संख्या कम है, दो ही कॉलम है, पंक्तियां 3 है, ठीक है ना। तो ये 2x3 का है और ये 3x2 का है, ठीक है। तो इसमें पंक्ति कम है कॉलम से, तो ये क्या है क्षैतिज है, यानी कि हॉरिजॉन्टल अभ्यूह है, और ये इसमें कॉलम कम है, सॉरी यहाँ पे रो कम है कॉलम से, और यहाँ पे कॉलम कम है रो से, तो ये क्या है वर्टिकल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब बात करेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स की, किसकी बात करेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं विकर्ण अभ्यूह। तो विकर्ण अभ्यूह क्या होता है, ऐसा अभ्यूह जिसमें ऐसा ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। पहले चीज क्या होगा कि विकर्ण अभ्यूह जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, ये होना ही होना है, जरूरी है। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर, एलिमेंट्स को छोड़कर सभी एलिमेंट्स जीरो हो, जैसे एग्जांपल में जैसे ए लिया हमने, तो इसमें एक डायगोनल होगा, तो मान लीजिए 2-2-1, 6 और बाकी 0, 0, 0 और यहाँ पे 0, 0, 0। तो यहाँ पे जो हो गया ये देखिए डायगोनल होता है, यही जो होता है स्क्वायर का, स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल होता है। तो इस डायगोनल के अवयवों को छोड़ के बाकी जिसके सभी के सभी जीरो हो उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स यानी ऐसा वर्ग अभ्यूह जिसमें विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सभी अन्य सभी अवयव शून्य हो, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को, उस वर्ग अभ्यूह को हम डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण अभ्यूह कहते हैं। और यही जब विकर्ण अभ्यूह जब इसमें सभी अवयव बराबर हो जाए, जैसे ये भी 2 हो जाए, ये भी 2 हो जाए और ये भी 2 हो जाए, तो उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स यानी कि अदिश अभ्यूह। यानी ध्यान दीजिएगा जो अन्य जो भी होते हैं ना, यही जो होता है वो एक स्क्वायर स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, अदरवाइज बाकी जो होते हैं वो किसको, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब अभी आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको एक जैसे यहाँ पे नाम आया तो हम बता दिए कि कैसे ये हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत सारे अलग अलग पद टर्म आते हैं जो आप आगे पढ़ेंगे तो आगे आपको सीखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो हम हमेशा आपको पॉसिबिलिटी बताते हैं आगे कुछ सीखने का, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बस आप बस जाइए एग्जाम में ऐसे करके आना है, उसे केवल उतने से सही नहीं लगता है, एजुकेशन का क्या मतलब है फिर, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स जब बराबर होंगे तब तो वही डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है, जब सभी क्या हो बराबर, यानी 2, 2, 2 जैसे ऐसे
बाकी अगर कोई भी अदर चीज ऐसे आ गया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आ गया, तो स्केलर नहीं होगा। चलिए, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया और स्केलर मैट्रिक्स भी हो गया। अब बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स की। इसकी बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स की, एक सेकेंड। चलिए बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स की, इकाई, इकाई बोलते हैं इसको, या फिर तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह। तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, ठीक है, जिसके डायगोनल के एलिमेंट एक के बराबर हो, यानी सभी डायगोनल के एलिमेंट एक हो, एक 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 एक, एक। तो यह भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, यूनिट मैट्रिक्स। इसको जनरली आई से डिनोट करते हैं। ऐसे यहाँ पे वन क्रॉस वन का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं बताइए, है ना। वन जो है ये भी, सॉरी, ये वन क्रॉस वन का स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि एक पंक्ति एक कॉलम है और एक डायगोनल यही बनेगा। तो यहाँ पे वन है, तो ये बोला जाएगा क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है, या फिर इकाई या तत्समक आव्यूह है, ठीक है ना। अब दूसरे, अगर टू क्रॉस टू का एक ले इकाई आव्यूह, तो वो क्या होगा, वन वन जीरो जीरो। ये टू क्रॉस टू का है, यानी दो पंक्तियां दो कॉलम है, दो रो और दो कॉलम्स है, दो पंक्तियां दो स्तंभ है। जब अगर बात करें थ्री क्रॉस थ्री का लेना चाहते हैं, ठीक है, तो थ्री क्रॉस थ्री जैसे डिनोट करें इसको, आई वन आई टू आई थ्री, तो थ्री क्रॉस थ्री में क्या होगा, वन जीरो जीरो, ठीक है, जीरो वन जीरो और जीरो जीरो वन। तो ये थ्री क्रॉस थ्री का एक क्या हो गया, यूनिट मैट्रिक्स हो गया, यानी इकाई आव्यूह हो गया, तत्समक आव्यूह हो गया, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे यूनिट मैट्रिक्स क्या है। अब बात करते हैं हम लोग जीरो और नल मैट्रिक्स का। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो, उसे जीरो या नल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो अगला है जीरो आर नल मैट्रिक्स, यानी कि शून्य आव्यूह है, शून्य आव्यूह। तो जीरो आर नल मैट्रिक्स किस क्या होते हैं, जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो हों, जैसे कि ए इज इक्वल टू लिखा हो जीरो 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 जीरो, चाहे कैसा भी हो सकता है, किसी भी कितने भी क्रॉस कितने का होगा, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो भी होंगे, जीरो होंगे। ये भी हो सकता है, ये भी एक नल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स आप कितना भी बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब जो है अगला जो होगा हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरह का होता है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। तो इसको त्रिभुजी आव्यूह कहते हैं हिंदी में, हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिभुजी आव्यूह। इसका मतलब क्या है कि ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा आव्यूह, और ये वर्ग आव्यूह ही होगा, जिसमें विकर्ण के ऊपर के सभी या नीचे के सभी जो है एलिमेंट जीरो, जैसे कि यहाँ लिखा है टू जीरो जीरो वन थ्री जीरो माइनस टू वन थ्री। तो ये ऐसा मैट्रिक्स कैसा है, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, ट्रायंगुलर शेप का, ये जीरो हो गए हैं तो इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर। तो ये अगर ऊपर के जीरो, अगर ऊपर के जीरो हैं तो ये क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि नीचे बन रहा है। अगर नीचे वाले जीरो होते ये वाले, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता,
ठीक है, तो अपर लोअर समझ गए आप। जीरो वन माइनस वन, ठीक है, तो ये हो गया अपर ट्राइंगुलर, ये हो गया अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ये हो गया लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपका जितने टाइप हो गए अभी तक मैट्रिक्स के वो खत्म हो गए, तो मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के टाइप्स हमने पढ़ लिया। आगे मिलेंगे, आगे का जो भी टॉपिक होगा उसे लेकर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।